नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुलगुल कॉमर्स पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है इस पर कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती है बिहार बोर्ड की, और बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे रिलेटेड जैसे बीकॉम पार्ट वन, बीकॉम पार्ट टू और बीकॉम पार्ट थ्री कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारा जो चैनल है बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही यूजफुल है। आज का जो वीडियो है ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट वन के वैसे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका पार्ट वन का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 2022 में। एग्जामिनेशन काफी करीब है, इसी वजह से आपके सपोर्ट के लिए मैं कुछ वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता है बीकॉम पार्ट वन की जो पढ़ाई है वो काफी इम्पोर्टेंट है। बीकॉम पार्ट वन का जो सिलेबस है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का वो बाकी सारे यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन वो भी थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पार्ट वन में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। आज के वीडियो में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर ब्रांच अकाउंट पढ़ना है, ब्रांच अकाउंट उसको हिंदी में शाखा खाता बोलते हैं, शाखा खाता, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि ब्रांच अकाउंट अगर आपको पढ़ना है तो आप किस प्रकार से पढ़ पाएंगे। अब ये जो ब्रांच है ये होता क्या है इसको आपको समझना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और टेक्निकली भी बहुत ही बढ़िया है चैप्टर। तो ब्रांच का क्या कॉम्बिनेशन है आपको समझना है। जैसे मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका मुख्य बिजनेस जिसको क्या बोलते हैं हेड ऑफिस। मान लो ये मिस्टर मोहन है, मान लीजिए ये मिस्टर मोहन है, ठीक है, मिस्टर मोहन है, ये मोहन है, मोहन, ठीक है, इनका बिजनेस दिल्ली में है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इनके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनका डिमांड बहुत बढ़िया है, कस्टमर का रिव्यू बहुत अच्छा है। तो दिल्ली में इनका बिजनेस है और इनके इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं इनका डिमांड पूरे देश में फैलने लगा। अब मान लीजिए मिस्टर मोहन ने सोचा कि अपना एक्सपेंशन करना, अपने बिजनेस के साइज को बड़ा करना है और बिहार के ग्राहकों तक भी पहुंचाना है। तो मिस्टर मोहन ने एक अपना ब्रांच कहां खोल दिया, पटना में, तो पटना में उन्होंने ब्रांच खोल दिया। मान लो कि मिस्टर मोहन ने एक ब्रांच खोल दिया पटना में, पटना ब्रांच, ठीक है, और दूसरा ब्रांच उन्होंने खोल दिया रांची में, झारखंड के लिए, ठीक है। तो मतलब मिस्टर मोहन का जो मुख्य कार्यालय मेन बिजनेस है वो दिल्ली में अवस्थित है। अब ये बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो बिहार में भी बेचना चाहते हैं और झारखंड में भी बेचना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को उनका प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है और हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करे, उसका एरिया बढ़ाए, उसका दायरा बढ़ाए, कस्टमर्स बढ़ाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स होगा तो बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा दो ब्रांच खोला गया, पटना ब्रांच और रांची ब्रांच, इससे क्या होगा इनका सेल्स बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि पटना ब्रांच में सामान आएगा कहाँ से, रांची ब्रांच में सामान आएगा कहाँ से। तो अगर ब्रांच डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ब्रांच है, तो सारा मेंटेनेंस जो हेड ऑफिस के द्वारा किया जाएगा, सारा सामान जो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच में भेजा जाएगा और ब्रांच बेच वेच करके हिसाब किताब किसको पहुंचाएगा, ब्रांच सारा हिसाब किताब किसको इंप्लीमेंट करेगा, हेड ऑफिस को। लेकिन जो इस ब्रांच का जो अकाउंट है, अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, पटना ब्रांच बोले या रांची ब्रांच बोले, इसका अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, तो वो एचओ का जो अकाउंटेंट है, एचओ का अकाउंटेंट, ठीक है, एचओ का अकाउंटेंट ही पटना ब्रांच और रांची ब्रांच का अकाउंट क्या करेगा, मेंटेन करेगा, क्लियर। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या होता क्या है। तो हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट में ही ब्रांच अकाउंट मेंटेन होता है, हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट में ब्रांच अकाउंट मेंटेन होता है। किन बातों का, किन सारे ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, तो ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच गुड्स भेजा जाता है, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच में पैसे भेजे जाते हैं, मेंटेनेंस खर्चा जैसे ब्रांच में जो स्टाफ की सैलरी, ब्रांच के बिल्डिंग का रेंट, ब्रांच के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम, वेजेस,
इस तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं हेड ऑफिस के द्वारा बियर किए जाते हैं, हेड ऑफिस के द्वारा भेजे जाते हैं ब्रांच को। तो बोला ये सारे चीज का जो हिसाब किताब है हेड ऑफिस में बैठे अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, ब्रांच के द्वारा जो बेचा जाता है गुड्स उसका, ब्रांच के द्वारा जो पैसे हेड ऑफिस को भेजे जाते हैं उसके बारे में भी ये सारा चीज रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से हेड ऑफिस के अकाउंटेंट के द्वारा। तो आप एक प्रकार का इसका नेचर आप समझ गए कि ब्रांच क्या होता है, हेड ऑफिस क्या होता है और कौन अकाउंट्स मेंटेन करता है। ऑलवेज आपको ये सोचना है कि अकाउंट्स किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, हेड ऑफिस के द्वारा। चलो दोस्तों इसके आगे चलते हैं कि अगर आपको ब्रांच अकाउंटिंग सीखना है तो और क्या क्या आपको जानना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ ब्रांच, ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं उसी के हिसाब से फिर आप अकाउंट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे सीख पाएंगे। तो हम लोग ब्रांच के टाइप को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं, जो काफी जरूरी है। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम अगर 2022 में है तो आपका एग्जाम अच्छा जाए इसकी शुभकामना मेरी ओर से है। और अगर आप बीकॉम पार्ट टू में जब जाएंगे बीकॉम पार्ट टू में, तो बीकॉम पार्ट टू का अगर कंप्लीट सिलेबस का कोर्स आप करना चाहेंगे लाइव घर बैठे तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके डायरेक्टली आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बीकॉम पार्ट वन, बीकॉम पार्ट टू और बीकॉम पार्ट थर्ड का लाइव क्लास आपको किस प्रकार मिलेगा, पीडीएफ नोट आपको किस प्रकार मिलेगा घर बैठे। क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनके आसपास कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं हो पाती है, टीचर आसपास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं बीकॉम पार्ट वन, बीकॉम पार्ट टू, बीकॉम पार्ट थ्री, क्लास 11 और क्लास 12 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में। इसके लिए बस आपको करना ही है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ब्रांच कितने प्रकार का होता है। तो ब्रांच दो तरह का होता है, मैं बता दूं आपको, ब्रांच दो तरह का होता है, एक आपका होम ब्रांच ठीक है और दूसरा फॉरेन ब्रांच ठीक है। पहला होम ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच ठीक है। दो तरह का ब्रांच होता है, होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। चलो होम ब्रांच क्या होता है, होम ब्रांच वह ब्रांच होता है जिसका एग्जिस्टेंस केवल और केवल अपने देश में हो। जैसे मान लो अगर मैं इंडिया का निवासी हूँ और इंडिया में ही मेरा ब्रांच है, भारत के अंदर ही मेरा ब्रांच है, तो सारे ब्रांच क्या कहलाएंगे, होम ब्रांच। लेकिन भारत में मेरा हेड ऑफिस है और मेरा ब्रांच जो अमेरिका में है, मेरा ब्रांच चाइना में है, जापान में है, कोरिया में है, इन जगहों पर अगर हमारा ब्रांच है तो वो सारे ब्रांच कहलाएंगे फॉरेन ब्रांच ठीक है। तो अभी होम ब्रांच की बात करें, होम ब्रांच जो है दो तरह का होता है ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट ठीक है, डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ठीक है। दो तरह का ब्रांच हुआ, एक हुआ मतलब निर्भर ब्रांच है, दूसरा मतलब स्वतंत्र ब्रांच है। तो डिपेंडेंट ब्रांच की बात करें दोस्तों, तो ये इसमें अकाउंट जो मेंटेन करते हैं वो चार तरीके से मेंटेन करते हैं, आते हैं बात करते हैं। सबसे पहला है आपका डेटर मेथड या डेटर सिस्टम ठीक है, डेटर सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करते हैं, सबकी चर्चा करेंगे डेटर सिस्टम क्या होता है। और दूसरा जो मेथड है दोस्तों वो है आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ठीक है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और तीसरा है होलसेल ब्रांच, होलसेल ब्रांच ठीक है। और चौथा है दोस्तों वो है फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट सिस्टम। ये चार मेथड से, चार विधियों से अकाउंट बनाया जाता है ठीक है, किसका, ब्रांच का। कौन सा ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ब्रांच के बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है और मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ वीडियोस में डालूं आपके लिए, तो जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करे। और इस वीडियो में इतना ही, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी, ऑल द बेस्ट।